पंजाबियों का शेर योगराज सिंह जिन्हें बेदाकी के नाल हर जबर जुल्म हर दुख से सामना किया योगराज मैनू भी पता जो तुम नाम मुसलमान बने असी तो ना शीस ला दें
गुरु साहब हस पे होना थोड़े वाल भी ऐसा ही है जाए दिल्ली कह रहे हो गल इना देखो जवाब क्या जाए टके सर लगता यह मेरी गल नोट कर लो जी अच्छे गुरु साहब ने अपना शीस देना पाया उस तो बाद सिखी साड़ी नहीं पी हम अगर दूजी हिस्टरी सुना लगे उस तो बाद की होया की नहीं होया थो सारे पता ही है कि वड्डा पंजाब सी तिब्बत तो लैके कश्मीर तक कश्मीर तो लैके कंधार तक कंधार तो लैके रोपड़ तक यार है पता है कि नहीं पता पता दसो एडा वड्डा पंजाब सी एक टुकड़े हुए सुनो महाराजा रणजीत सिंह नु हरि सिंह नलवा कहना है क्या था महाराजा आ जेड़ा गोदी च तू ध्यान चंद डोगरा बिठाया ना ये तेरे सिख राज दे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा वो कर दे जनरल जोरावर सिंह ने चिट्ठी लिखी तिब्बत तो कि राजा ध्यान चंद डोगरे नु अज मार दे या कर दे एदा मुंडा तू पट के बिठाया इस सपूरिया जिदन तू ना रहा है तेरे जरनैल भी मारू सिखी भी खत्म कर होया उसका लै गल होर याद कर जब महाराजा रणजीत सिंह के पुत्र का विआह सी सारी फौज चली गई उत्थे ते हरि सिंह नलवा जमराव के किले ते सी अफगाना ने हमला किया पर चिट्ठी लिखी महाराजा रणजीत सिंह ने भी हवा हो गया फौज भेजो और चिट्ठी ध्यान चंद डोगरे ने अपनी जेब च रखी दूजी चिट्ठी लिखी वो भी जेब च रखी चौथी चिट्ठी लिखी तो महाराजा रणजीत सिंह को पहुंची उदों हरि सिंह नलवा मर चुके फिर महाराजा रणजीत सिंह गुस्से जाके कहना अज तू मेनू मार छड़िया ते तुहानू मारिया पैरां च मैं कहा महाराजा रणजीत सिंह जे कोई हुंदा अगलाला सिर च मारदा ते डोगरे दा मरदा जांदा ते खतम तां होंदा राज छड्डदा उस तो बाद पंजाब वंडिया गया गुरु साहब दे वेले गंगू ब्राह्मण बच्चियां नू नीयां च चिन्ह वाला जेड़े साडे अपने बंदे ध्यान दीवान सुचानंद ये लोग अज भी मौजूद ने पंजाब की धरती तो इलेक्शन लड़के पंजाब की धरती दे मुकर मान के ਇੱਥੋਂ ਐਮਪੀ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਦਸੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਦਨਸੀ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਗਾ ਫੁੱਫੜ ਨਾਨਜਨ ਸਿੰਘ ਤਾਲਬ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਐਮ ਸੀ ਦੇ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਘਰ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ किस किस्म ने लीडर किस किस्म ने सियासतदान चप्पे चप्पे ते झूठ चप्पे चप्पे ते बेईमानी मैं अपने घर की गल सुना रहा अपने पुत्र की गल सुना रहा जब मैं अपने पिता जी ने आख्या मैं क्या मैं इस घर च नहीं रहना पिता जी कहते की गल है मैं क्या जिस घर के 24 घंटे सियासतदान झूठ बोलते हैं ठगिया मारते हैं पिट मुड़ी नहीं जाना है हाँ जी ओ भाई तेरा काम हो जू गाली को नहीं करो टेलीफोन अज वो गया ही है बड़ा बेवकूफ आदमी छट पाए यह जे अल्फाज थोड़े लोगों वास्ते लोग कहते रहे मैं वो घर छड़ता मैं पासे हो गया मैं सियासत वाले दे विच रहा विनोद शर्मे का प्यो पंडित केदारनाथ शर्मा साढ़े करेच पिंड का जवाई मेरे पिता जी ने कह रहे नभानी है रिश्ता बहुत डूंगा मैं 36 साल बंदे ना कटे इंदिरा गांधी ने घरे मेरी गड्डी आन जान सी क्योंकि संजय जी ने मेरा बहुत प्यार सी और जोधा मर गया जो जोधा हुंदा अज गल कुछ होर होनी सी मैं नेड़े तो बहुत देखे तो सुने लेकिन इस्तेमाल करना यह लीडर के खून के विच पाया है इनू पट लिया ओनू पट लिया इनू तोड़ता ओदे तो झूठ सारा दिन झूठ बोलदे ਇਹ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀ ਵੇਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ
पर मेरे को महसूस होया कि मैं गंदगी दे विच रह रहा हूं। हुण आपां गल करदे आ कि आपां कित्थे खड़े, तुसीं की समझदे हो कि पंजाब दे विच अज किसानां दी मसला अज शुरू होया? नहीं नहीं नहीं, 75 साल पहला मास्टर तारा सिंह का नाम सुने बजुर्गो सुने हाथ खड़े कर, मास्टर तारा सिंह जिन्हों आप आगू बुला के भेजा इतनी क्या उठे जाके माउंट बैटन ने की किया, असी 150 साल इस मुल्क ने राज किया तारा सिंह अपना पंजाबी सूबा अड लै, यह गल ठीक है बुजुर्ग दस गल ठीक है, अपना पंजाबी सूबा अड लै लै ठीक है जी। रात को पंडित जवाहर लाल नेहरू आता है, हे अपना तो नौ मास का रिश्ता है, आप एक मां की ढिड चो पैदा हुए हैं, और एक गोदी च बैठा गल करता है मास्टर तारा सिंह, और सवेर माउंट बैटन जाके कहता नहीं जी इस तक कट्ठे रहना है। ये रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है मेरे को पियों ने, माउंट बैटन ने फिर किया पंजाबी सूबा लै लै हरियाणे तो दिल्ली तो लै के हिमाचल सब मिलता से साइन कराया असि कट्ठे रहना है। हम दसो यह साढ़े वट वडेर की गल है, फिर गल आ रही है इतने जट को 100 किले पैली 200 किले पैली 500 किले पैली बिल की पास होया, ये जट को सिर्फ 18 किले पैली रहूगी, ये सच है बुजुर्गो सच है। उदो की होया उदो क्यों ढेरी ढाली आप क्यों नहीं उदो उठे दसो मैं, मैं सवाल पूछदा अपने वट वडेर जब 18 किले जट को रह गए सारी बाकी जमीन यूपी में मेरे बुजुर्गों को 24 एकड़ जमीन सी सारी स्क्रीन चली गई छोटे सारी मिले जमीन चली गई, रही खेती की गल जिन्हें कीला निभाया उन्होंने की पता कणक किवें बीजी थी, और जिन्हें धान नहीं बीजे उन्होंने की पता धान बीजने की तकलीफ की होंगी है। आ गए जी पलाव खा लो जी, हाँ जी कि पलाव पलाइए तरह तरह के पलाव पल रहे हो, जिन्हें धान बीजा जाता चट नहीं पता किसान को पता है दर्द है वह महसूस होना चाहिए। मेरी मां ने मैं पिछे एक बार पिछ बन के पढ़ना 100-100 किला वाया, मैनू पता है एक किसान का दर्द की है, मेरी अक्सर हंझू आ जाते जो मैं गल कर दिया एक किसान तुम हाथ चला के देखो एक किला ला के अगले रहने में बैठे हो अज ने कहना सी लीडर इन्हें ट्रैक्टर से चला के कहो एक किला मेरे फसल बीज के दिखाओ उन्हें पता लगे दर्द होंगे की है, जट गिंद कि जिमीदार कि कहते। लेकिन दुख की गल यह है बंदा कदे भी पराए तो नहीं मरे, जे मुगल सी तो पराए सी जे अंग्रेज सी तो पराए सी, अज जिन्हें पिछे कुर्बानियां दित्तियां है जिन्हें पिछे वड वडेरे चले है जिन्हें माताओं ने अपने बच्चों के टुकड़े करा के अपने गलों च पा लिया, मैं पूछना चाहना उन्होंने बुजुर्गों वड वडेरिया कैसा बाप है तू कि तेरे बच्चे भुखे सौंदे है, तेरे बच्चे को तन ते रोटी नहीं खाने मुंह च रोटी नहीं तन ते कपड़ा नहीं पैर च जुतियां नहीं तेन नींद किवें आउंदी है, मैं बाप नहीं पूछना चाहना। वो बाप रहनुमा हुंदा है सीएम होवे प्राइम मिनिस्टर होवे उहदे बच्चे ने भुखे सौंदे आ ते बाप नूं नींद नहीं आया करती, मैं समझदा। लेकिन अज साडे विच वड्डियां किहने पाईआं साडे लोकां ने पाईआं, मैं नाम नहीं लैणा किसी का, आ 5-6 दिन इक साडी भरा दी जो एक बंदा है बकवास उहने बड़ी कीती है पर कोई नहीं जवाब मैं देऊंगा क्योंकि मुद्दा उह नहीं है, मुद्दा यह कि तू क्या मैं गिटार मैं उसे जाके बिकता मैं देखे ना बिकते दे। अहमद शाह अब्दाली 40-40 हजार जनानियां लजाके अहमद शाह अब्दाली ने बाजार टके टके सिर जनानियां बिक रही पहला ठीक है पता गल का टके टके सिर बिक रही इतों का लीडर इतों जित के दिल्ली के दरबार से टके टके सिर बिकते हैं बोली की लगती है मेरी देखी भी गल है सुनी भी मैं CWC की मीटिंग 10 बारी जिंदगी अटेंड की है
5 लाख 15 लाख 5 करोड़ 10 करोड़ तेरी कीमत क्या है मुन्नू नाचे उठे जाते तेरी पेंदर मत्थे टेक देने रात को शराबा पींदर और गल पता की होती छड़ो परे मुद्दे की गल ही नहीं जिस इंसान को पिकन की आदत पै जाए वह पाप का भला की कर और गल चली सी बच्चों की पंजाब च किन्ने इन्ने बंदे बैठे जिन्होंने अपने बच्चे बाहर सिट करते पिछले 75 साल तो पंजाब के सारे बंदे कोई कनेडा अमरीका अजी भी तैयार नहीं इंग्लैंड जेड़ा बंदा अपना घर छे अपनी मां की पुकर छे उस मां नोज नंगा कर देंगे उस घर के कबूतर वाले पाने का याद रखे पंजाब नंगा असी किया तुसी किया ते जिहड़े बाहर गए ने उन्होंने किया अज मैं पुछना मेरी ललकार है सारे एनआरआई जे जुट आओ सारे कट्ठे हो गए आओ मैं सारे फोन करते भाजी की चाहिए मैं कुछ नहीं चाहिए थोड़ा खून चाहिए थोड़ा सिर चाहिए वेला आ गया याद रखो बिल नहीं इन्हें बिल नहीं वापस लेना ए भी औरंगजेब की औलाद ने आहूतियां देनिया पैना है मरना पैना है पंजाब की धरती से तुपका तुपका पंजाबियों का डरूआ फिर जाके जिंदगी के विच इत्थे थल पैनी है रब करे ऐसा मौका आवे ऐसा मौका मैं बाबा जी चरना चर दास करता सचे पातशाह महाराज मेरी जिंदगी ऐसी लिखी ऐसी जिंदगी मेरी लिखी अकाल पुरख कि मैं पंजाब के एक एक जी के पैरों में मेरे खून का कतरा गिरे तो मेरी दौड़ बढ़ गए पंजाब के पैरों से मैं समझूंगा मैं पंजाब वास्ते कुछ किया ना मैं लीडर ना मुद्दे में चाहिए ना मैं किसी पार्टी को जानता मैं सिर्फ पहला साल गया सी बाबा दर्शन सिंह जी बैठे सी मैं कहा महाराज बहुत होगी हो बहुत कर लिया बहुत दुनियादारी देख लिया अपने देख ले बच्चे देख ले परिवार देख लिया सब झूठ झूठो झूठ है कुछ नहीं मैं कहा मेरी तमन्ना है बाबा जी मेरी मौत हो मेरी देह में पहला साल लिया के 5 सिंह दाग ला दे उन्हें घुट के मैं चप्पी पा ली उदो अंदोलन की कोई गल नहीं चली हम कह लगे बेटा अजे गुरु घर चोते तो बहुत सेवा लेनी है अजे तू पिछड़े में जोड़ना है यहो जी गल नहीं करनी मैं कहता बाबा जी एक गल जरूर दियो वर दियो जे गल बहुत वध गई रब कहे ठीक हो जाए मेरे किसानों का हक मेरे वड्डियां नूं भैण भरावां नूं मेरी धीआं भैणां नूं मिल जाए शायद वो नींद आ जाऊगी पर जे कदे कदे शहीदी ते गल मुकनी है तो मैं भी चाहना कि मैं अपने किसानों लिए पंजाब की धरती मां लिए पहला शहीद कहावां मेरा भी सिर वट के थटिया होवे तां मजा नहीं जिंदगी का कोई मजा नहीं और एक गल होर सुन लिओ जिद्दर गोलियां चलिया गल्लां दा बहुत करदे सारे यह होया उधर भजे उन्होंने जेड़ा भजे ओनू अपनी चुनी मां की कसम बच्चे ओनू धरती मां पंजाब की कसम आतिए भैं बैठी थोनू कसम है एक चकोरी खावे तू एक बार पढ़ के तो देख मेरा तेन चैलेंज है आप सही तेन दसिए पंजाब है कि पंजाब हुआ की है याद रखे मैं कर कह के चलिया फकीर आदमी मैंने किसी की लोड़ नहीं थोड़ा प्यार चाहिए तुम मैं बेनतहा प्यार दिता है इन्नी अरदास है मेरी कट्ठे हो गए रहो बड़िया ने आना है बड़िया ने झूठ बोलना है बड़े ने थोड़ा तोड़न की कोशिश करनी है पर जो हम आप नवक कट्ठे हो तो फिर पंजाब हजी होगी तो जो याद रखे वट वडेरे गुरु पीर थानू कद लाभ नहीं करे कि तुम वट वडेरे की पग रोड़ती इस करके मेरी बेनती है चढ़ती कला च रहे जे कोई गल नहीं लख मार लगे 2 लख मार लगे 3 लख मार लगे जिथे जिथे खून बुलूगा उथे उथे 10 शहीद होर पैदा हो गए जिथे जिथे पंजाब के बच्चों का पंजाब के बजुर्गों का पंजाब की जवानी का खून बुलूगा उथे गुरु साहब अपने अकाल पुरख महाराज की दरगाह चो ए जरनैल भेजणगे किस पंजाब की धरती को आके शांति मिलूगी सो मेरी बेनती है तगड़े रहो
काम इन्नी करा करो जिन्नी पुट जे, ललकारा इन्ना मरा करो जिन्ना जोगा बंदा होवे। रब करे मेरी भी उम्र थोनू लग जाए, सारे जहान की थोनू उम्र लग जाए। तुसी किसान लोग थोड़े चरणां नूं प्रणाम है। मैं तां इह जोगा ही है नी थोड़े सारे दे पैरी हथ ला के इजाजत मंगदा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह।